हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री की धाकड़ एक्ट्रेस हैं और वे अपने हर किरदार को चुनौती की तरह ही लेती हैं। एक्ट्रेस अब साल 1975 से 1977 तक रही इमरजेंसी पर बेस्ड है। वहीं आपको बताते चले तो इसका टाइटल भी इमरजेंसी रखा गया है। हाल ही में कंगना ने इस फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली है और इस बात की जानकारी फैन संग साझा की। इसी के साथ उन्होंने शूटिंग के दौरान ही कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। कंगना द्वारा शेयर की गई फोटोज में वे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने तस्वीरों के साथ कैप्शन में एक लॉन्ग नोट भी लिखा है जिसमें उन्होंने फिल्म के बारे में अपने अनुभव शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा, एक एक्टर के तौर पर मैंने आज इमरजेंसी की शूटिंग पूरी कर ली है। ऐसा लगता जरूर है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। मैंने इस फिल्म की शूटिंग के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक एक चीज़ जिस पर मेरा हक था सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग के वक्त मैं डेंगू का शिकार हो गई थी। इतने लो ब्लड सेल काउंट्स के बाद भी एक व्यक्ति के तौर पर मेरे कैरेक्टर को हर समय परखा गया। वहीं हम आपको बताते चले तो कंगना ने आगे कहा, मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत मुखर रहती हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है जो मुझे गिरा हुआ देखना चाहते हैं, जो मेरे जीवन में मुश्किलों को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं उनसे अपने दुख साझा नहीं करती और उन्हें कष्ट में नहीं डालती। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो या जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, तो मेरा यकीन मानिए आपको अपने इस ख्यालात पर फिर से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप खूब मेहनत भी करते हो तो आपकी क्षमताओं का बार बार आकलन किया जाएगा। जब तक भी आप खुद को संभाल सकते हैं संभालिए। अगर जीवन आपको संघर्षों से भरा मालूम होता है तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में परेशानियां नहीं हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। आपको टूटकर बिखरना नहीं है, सेलिब्रेट करना है। आपके लिए ये फिर से जन्म लेने का वक्त है। मेरे लिए ये एक पुनर्जन्म है। मैं इस तरह की जीवंत महसूस कर रही हूँ जैसा पहले कभी नहीं किया। मेरी टीम को भी ढेर सारा शुक्रिया जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। जो लोग भी मेरी परवाह करते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अब मैं सुरक्षित जगह पर हूँ। आप लोग परेशान ना हो, हमें बस आपका प्यार और दुआएं चाहिए। वहीं हम आपको बताते चले तो कंगना रनौत की पुरानी कुछ फिल्मों ने ज़्यादा कमाई नहीं की और दर्शकों का उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। इस दौरान उन्हें सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रोल का सामना करना पड़ा। अब उनकी ये बड़ी फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बनी इस फिल्म से कंगना को काफ़ी उम्मीदें हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी उम्मीदें हैं कि फिल्म साल 2023 में रिलीज की जाएगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी के बारे में आपका क्या कहना है। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।